अब बनेंगे। इसको थोड़ा सा मैंने मोटा मोटा रख दिया है, इसमें हमने थोड़ा सा नमक हल्दी वाला पानी, थोड़ा सा ज्यादा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं केले के चिप्स बनाने वाली हूँ, तो चलिए, बहुत मस्त लगते हैं खाने में। तो चलिए, इसको पहले हम पील करेंगे अच्छे से, अपने पीलर से इसको छीलेंगे अच्छे से। अभी फिलहाल तो ऐसे ही छीलेंगे, थोड़े छील के उतार उतार के। पिलर से ये छीला नहीं जाएगा, पहले हमने इसको चक्कू से ही मोटे मोटे इसके छिलके उतारे। आजकल केले सीजन में आपको कहीं भी मिल जाएंगे, किसी भी सब्जी वाली शॉप पे मिल जाएंगे। इसको आप स्टोर करके 1 महीने तक रख सकते हैं अपने एयरटाइट डब्बे में, चाय के साथ खा सकते हैं। तीन केले मैंने छील लिए, एक ये लास्ट रह गया, चार। पहले हमें चक्कू से ही छीलने पड़ेंगे इसको, बाद में हम पीलर से इसको पील करेंगे। ये सारे छिलके पता है गाय की बास्केट में जाते हैं। हम गाय को खाना वाना देते हैं ना, तो फिर उसी में ये जाते हैं सारे छिलके। अब हम जो ये ग्रीन ग्रीन पार्ट है ना, थोड़ा थोड़ा, इसको हम अच्छे से छील लेंगे। ये देखो, ये ग्रीन वाला पार्ट हमने बिल्कुल खत्म कर देना है, रहने नहीं देना हमने। बस ये केले पता है काले बहुत जल्दी पड़ते हैं, इसको बहुत स्पीडली हमें छीलना होगा ताकि ये, बस ये ग्रीन वाला पार्ट हमने निकाल देना है सारा। ये दो तो छीले गए, दो रह गए अभी। हमने एक पतीले में पानी लिया है, उसमें हमने 1 चम्मच नमक डालना है। और नमक क्यों डालना है ये मैं बता रही हूं, इसलिए डालना है कि ये हमारे केले काले ना पड़े। इसमें हम इसको डुबो देंगे अच्छे से, मिक्स करके ना इसको डुबो देंगे ताकि ये हमारे तलने तक काले ना पड़े बिल्कुल भी। आधी कटोरी पानी लेते हैं और 1 चम्मच नमक डाल देंगे इसमें, 1 चम्मच से थोड़ा कम ही डालना है, और थोड़ी सी हल्दी। इसको हम मिक्स करेंगे। तेल हमने गरम कर लिया है, हमने फटाफट से ये केलों को इसमें हमने केले को थोड़े से ना कपड़े से साफ करना, हमने साफ कर लेंगे नहीं तो इसका पानी सारा इसमें गिरेगा और तड़तड़ करेगा, हमें छींटे भी पड़ेंगे। और फटाफट से हमने अच्छा आगे से दिखाऊं और, हाँ चलो ठीक है। ये बहुत पतले पतले बनते हैं, ये हमारा आलू चिप्स की मशीन है, से बना रही हूं मैं। देखो अभी एक ही केला डाला है मैंने,
थोड़ा सा हिला लिया। अब ये जो नमक और हल्दी वाला था ना घोल, हमने इसमें डाल देना है ताकि ये हमारा केले के चिप्स में नमक आ जाए और कलर अच्छा सा आ जाए। ये सारा काम हमने हाई फ्लेम पे करना है, बाद में हम इसको स्लो कर लेंगे। इनको आवाज कितनी आ रही है, जैसे नहीं केले आपस में लड़ाई कर रहे हैं वो तो। हाय हाय लड़ाई छिड़ गई, ना लड़ो भाई। अभी बहुत सॉफ्ट है, अभी बहुत सॉफ्ट है। देखना इसकी आवाजें भी बंद हो जाएगी और खुद ब खुद ये लाल भी हो जाएंगे। अभी हाई फ्लेम किया हुआ मैंने, लो पे रखूंगी तो बहुत ज्यादा तेल पिएंगे ये, और हाई पे रखूंगी तो तेल कम पिएंगे, सूखे सूखे बनेंगे। बाजार वाले उतने स्वाद लगते नहीं, इसलिए घर में ही बना लेती हूँ। ये हमारे मिस्टर बग्गा की रेसिपी है, आप मिस्टर बग्गा के चैनल पे सर्च कीजिए, मिस्टर बग्गा केले के चिप्स, बहुत अच्छी रेसिपीज बनाता है। इसका भी एक चैनल है, हमारी स्वाति भोमरा का भी चैनल है, मेरा भी है। पता नहीं लोग फॉलो नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। अब देखो धीरे धीरे ये तल रहे हैं अच्छे से, इसकी आवाजें आनी बंद होगी, जो इसमें पानी का मॉइस्चर होता है ना वो सारा सूख गया है। अब धीरे धीरे ये पक रहे हैं, फ्लेम मैंने अभी भी हाई की हुई है। बहुत इसमें नमक का टेस्ट, तेल में ही नमक का टेस्ट आ जाता है, और इसमें ये सारा केला नमक सारा अपनी ओर खींचता है। हाँ जी ये बन गए, अब इसमें बिल्कुल भी कोई हरकत नहीं हो रही है। देखो एकदम थोड़ी थोड़ी सी हो रही है, वो भी ये थोड़ा सा मोटा है इसमें हो रही है, देखोगे आप। हाँ सही बोल रही हूँ, इसमें हो रही है बस बीच वाले में, बाकी सारे हमारे बन गए हैं, लाल हो गए। अभी हम एक एक करके इसको निकाल लेंगे, और हमने टिश्यू पे निकालना है। तेल ऐसा लग रहा है जैसे पानी है। देखो गाइस कितने अच्छे लग रहे हैं, हाय गरम बहुत है। आवाज देखो, एक और तोड़ू, ये देखो फ्लेम, जब भी आप बनाओ फ्लेम को लो कर लो ताकि ये छीटे बीटे ज्यादा ना पड़े। अब मैं ट्राई करने वाली हूँ ये डिजाइन वाला, ये देखो ये वाला प्लेन वाला था और ये वाला डिजाइन वाला, देखती हूँ कभी बनाया नहीं है, देखती हूँ। इसको थोड़ा सा पुश करते हैं ताकि मोटे मोटे ज्यादा ना बने। अरे ये तो सिंगल पीस बन रहे हैं, अब बनेंगे इसको। थोड़ा सा मैंने मोटा मोटा रख दिया, दिखा फ्लेम को हाई कर देते हैं।
इसमें हमने थोड़ा सा नमक हल्दी वाला पानी, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। आपस में लड़ाई बहुत करते हैं ये, अब शांत हो गए लड़ लड़ के कि सारे हमने तो इकट्ठे ही रहना है, कोई बात नहीं। उसी तरह से इसने भी शोर मचारा बंद कर दिया। अब ये देखो ये भी हमारे बन गए हैं। अभी 2 किलो का मैंने बनाया, 1 किलो का मैंने, 1 केले का मैंने प्लेन वाला बनाया, इतना सारे बन गए हैं, और 1 केले का ही। अभी 4 केले का मैंने बनाना है, 2 केले का अब बाद में बना दूंगी, पहले आपको ये वाला दिखा देती हूँ, तो वो सारे मैं बना लूंगी। गैस बंद कर देती हूँ मैं, इसको भी निकाल लेंगे। अब भी मैं इस पे जाली रख रही हूँ क्योंकि तो आपको मैंने दिखाना है, नहीं तो हाथ वाथ लग गया तो और डर लगता है। ये देखो दोनों कैसे लग रहे हैं बताना गाइस। अभी मैंने 1 केला, ये 1 केला, ये 2 केले का मैंने बनाया। ये देखो इसकी आवाज सुनना बस। ये देखो अब सुनाती हूँ, बिल्कुल ही चूर हो गए, और इसकी भी आवाज सुनाती हूँ। एक साथ इसको करूँ, इधर से करती, इधर से ज्यादा होगा। आप भी अपने घर में केले के चिप्स बनाएं, खुद भी खाएं, सबको खिलाएं, और मुझे पिक डालें कि कैसे बनी है। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत इजी, मैं कितना बताऊं कितनी इजी है, बहुत इजी है बस। ओके गाइस, बाय बाय, लव यू, टेक केयर। ऑयल भी कम है, सूखे सूखे बने हैं। गाइस जो लंबे वाले हैं ना उसको आप रख के इसको काट करके, कई बार होता है कढ़ाई से डर लगता है तेल में, वो गोल वालों को होता है फटाफट डालना, वो चिपकते ज्यादा क्योंकि वो ज्यादा पतले पतले होते हैं ना। को ऐसे करें, अब इसको आपको कढ़ाई में भी जाके ले जाके दिखा रही हूँ, आप डाल सकते हो।